फ्लैशबैक डांडान के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि ट्रेनी ने ओकारू को ट्रेन करने के लिए उसे सायतामा की ट्रेनिंग का हिस्सा बताया, जिसके अंदर उसे 100 सिटअप, 100 पुशअप और ये सब करना था, जो कि उससे नहीं हुआ ऑब्वियसली, क्योंकि भाई वो सायतामा तो है नहीं। और इसके बाद जैसा ग्रैनी ने कहा था कि रोहिणी पृथ्वी पर आ जाना, वो वहाँ पर जा रही है। You weird, buddy? End of flashback. One of the most hype anime after Bleach अभी चल रहा है, उसका finally episode 4 आ चुका है। और इस episode की animation चुम्मेश्वरी, और जो fighting हुई वो भी चुम्मेश्वरी। तो बिना किसी देरी के इस episode के breakdown को शुरू करते हैं। Last episode में हमने जैसा देखा था कि वो ग्रैनी के tunnel पर आ चुके हैं, और उसके बाद ये दोनों लड़ते हैं। किस लिए? भाई तू पहले अंदर जा। नहीं भाई तू जा, लेडीज फर्स्ट। नहीं भाई तू जा। और फाइनली ये दोनों अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर आया से जो है वो ग्रैनी को बहुत ही अंडर एस्टिमेट कर रही थी। वो कहती है भाई अभी तो अपन ने उतने बड़े इंसान को हरा दिया, ये तो अपने सामने कुछ नहीं है। और हम ग्रहणी को इस फॉर्म में देखते हैं, जो कि प्रोबेबली उसका जायंट फॉर्म है, जिसे देखकर इनकी फट जाती है और ये पीछे भागते हैं। लेकिन पीछे भी ग्रहणी, आगे भी ग्रहणी, मतलब आगे कुआं पीछे भी कुआं, जाए तो जाए का। तो दे फाइनली डिसाइड टू फाइट द ग्रहणी। इसके बाद ओकारून ग्रहणी के पास जाता है, उसका फॉर्म एक्टिवेट करता है और सीधा उसके ऊपर एक पंच मारने वाला होता है कि ग्रैनी उसे उसका लौटा देती है। हाँ, उसे ऐसा उसका मिल जाता है और यहाँ पर एपिसोड खत्म। जस्ट किडिंग गाइस, उसने उसे इसलिए लुटाया ताकि वो उसका जो फॉर्म है वो वापस एक्टिवेट ना कर पाए, जिसके बाद ग्रैनी इनके ऊपर भारी पड़ जाती है। और जैसे ही ग्रैनी दोनों को खत्म करने वाली होती है, आया से को उसकी दादी की बात की याद आ जाती है कि जो ग्रैनी है उसे तुम चैलेंज दोगे तो वो जरूर एक्सेप्ट कर लेंगे। तो वो उसे कहती है इंग्लिश और स्पेनिश, हूएवर मूव फर्स्ट इज गे। जस्ट किडिंग गाइस, वो उसे कहती है भाई तुम्हें अपने भागने में इतना भरोसा है ना, तो हमारे साथ एक रेसिंग लगा लो। ग्रैनी जो है इनकी इस रेसिंग को मंजूर कर लेती है और फिर आया से उसे थोड़े रूल्स बताती है कि तुम 10 मिनट तक के गिनोगे जब तक के हम भागेंगे और फिर तुम्हें हमें पकड़ना होगा। तो ग्रैनी इसे एक्सेप्ट कर लेती है, जिसके बाद इनका जर्सी टैग वाला गेम हो जाता है, जिसके बाद ग्रैनी काउंटिंग शुरू करती है, जो कि बहुत अजीब तरीके से गिन रही होती है। 1 सेकंड, 2 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट, जिसकी मतलब हमारा आया से और ओकारून इस शहर से बाहर निकल ही नहीं पाए। अरे भाई वो शहर से क्या, टनल से ही बाहर नहीं निकल पाए। और उनके ऊपर ग्रैनी हमला कर देती है और वो सीधा आया से को एक जगह में सील कर देती है। फिर ओकारून उसे कहता है भाई चीटिंग चल रही है, तो वो कहती है कि इस लड़की ने उसे किस तरह गिनना है वो बताया ही नहीं। फिर वो ओकारून को पकड़ लेती है और बस ओकारून को मारने ही वाली होती है कि ओकारून उसकी स्किन को बाइट कर लेता है। और यही मौके पर आया से, जिसने लास्ट एपिसोड में बहुत ट्रेनिंग की क्या बिना देखे उसकी शक्तियों को इस्तेमाल कर पाए, वो ग्रैनी को उसके हाथ से दबा देती है। फिर ग्रैनी को ऐसा देख के जो क्रैब था, मतलब एक्चुअल लोकेशन बाउंड स्प्रिट थी इस टनल की, वो आ जाती है, जो कि एक क्रैब होता है। और फिर इनके बीच में एक बहुत ही प्यारा सा रनिंग सीक्वेंस आता है, जिसके अंदर ओकारून उसके 2 थ्रस्ट में से, मतलब वो 2 बार जो उसका फॉर्म एक्टिवेट करता है उसमें से 1 बार इस्तेमाल कर लेता है, मतलब वो उड़ने के लिए करता है। और उसके बाद जब वो जमीन पे लैंड होते हैं तो क्रैब भाई उनके थोड़ा पीछे ही होते हैं, तो वापस भागना शुरू कर देते हैं। और इनको इस तरह भागते हुए कई सारे सिविलियंस देख लेते हैं। और इसके बाद आया से को आइडिया आता है कि भाई वो बिल्डिंग में घुस जाते हैं ताकि जो क्रैब है वो बिल्डिंग के अंदर ही ना पाए। लेकिन क्रैब भाई तो यूपी वाले निकले, वो तो सीधा घर तोड़ के अंदर आ गए। और ये थोड़ा ऊपर जाते हैं और ऊपर पानी होता है, जिसे देखकर ओकारून कहता है भाई पानी तो क्रैब की जगह है, हम यहाँ पर उससे लड़ नहीं सकते। लेकिन आया से कहती है भाई ये पानी नहीं है, ये हॉट स्प्रिंग है। और जब क्रैब इसके अंदर आता है तो ये हॉट स्प्रिंग शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से क्रैब है वो पका हुआ क्रैब बन जाता है, जिसे देखकर आया था कि लाल टपक जाती है कि भाई मुझे इसे खाना है। लेकिन ओकारून कहता है कि यही अच्छा मौका है, भाग चलते हैं। तो जब ये बिल्डिंग से नीचे उतरते हैं तो इनके पीछे क्रैब भी लग जाता है, और क्रैब के जब वो आगे आगे भागते हैं उसके सामने से आ रही होती है बहुत सारे लोगों की लाश, मतलब ज़ॉम्बीज आ रहे होते हैं वो, इसलिए क्योंकि ये जो पूरा एरिया है इसके पास में एक सेमेट्री, मतलब एक कब्रिस्तान है, जिसके अंदर से ग्रैनी कुछ स्पिरिट्स को बुला लिया है। ओकारून उसका फाइनल थ्रस्ट, मतलब उसके फाइनल बार उसके फॉर्म में चले जाता है, जिसकी वजह से वो फुल स्पीड में भागते हुए जाता है और फिर एक बहुत ही ऊंची जंप लेता है
जिसके अंदर आयस एक चीज नोटिस करती है कि जो ट्रेन है इनके शहर से बाहर जा रही है, जो कि बाद में इम्पोर्टेंट होंगी। ये लैंड करने वाले होते हैं कि ओकर उनका ट्रस्ट खत्म हो जाता है। फिर अब ये गिरने वाले होते हैं कि जो अपनी आयस है वो उसके जो हाथ की पावर है उसकी मदद से एक पैराशूट टाइप बनाते जिसकी मदद से वो बच जाते। और जैसे ही ओकारुन आयस से उठते हैं तो जो पूरी गैंग थी लाशों की, मतलब जेम्बुइस की और जो क्रैप था, वो उनके पीछे ही खड़े होते। और इसी बीच में ओकारुन की बॉडी से जो अपनी ग्रैनी है वो भी अलग हो जाती है और फिर ग्रैनी भी उन पर हंसती है, भाई तुम हार चुके हो, मैं तो जीत चुकी हूँ। और यहाँ पर आ जाती है वो ट्रेन जिसके बारे में मैंने बताया था और ऐसे उसके 9000 आई को इस्तेमाल करती है और उसके हाथ की मदद से वो ट्रेन पकड़ लेती है, वहां से भाग जाते हैं। जिसे देखकर जो ग्रैनी है वो भी पीछे आ जाती है और यहाँ पर इनके लक चमक जाते हैं क्योंकि वो पास कर लेते हैं उनकी सिटी का एरिया। बात हमारी ग्रैनी फूट जाती है और उसके अंदर से निकलते हैं कई सारे मरे हुए लड़कियों की सोल्स। यहाँ पर फाइनली ग्रैनी मारी जाती है। फिर हम देखते हैं कि ये लोग उनकी ग्रैनी के साथ उस ग्रैनी से मिलने जाते हैं जिसे उन्होंने अभी अभी मारा है और उन्हें पता चलता है कि वो जो लड़कियां थे जो ग्रैनी के बस होने के बाद निकले थे वो इसलिए निकले थे क्योंकि उनका शहर जो था दिल्ली जैसा था, मतलब उधर बहुत ज्यादा क्राइम्स होते थे। तो ग्रैनी उनकी सोल्स के पास जाती थी और उन्हें एब्जॉर्ब कर लेती, मतलब उन्हें शांति देने के लिए। फाइनली इन लोगों ने उन्हें हरा दिया है, मतलब कि उन सोल्स को फाइनली शांति मिल चुकी है। और यहाँ पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है और उसके बाद हमारे पास कई सारे सवाल आते हैं कि अब एनिमे में आगे क्या होगा, क्योंकि भाई को मिल चुका है, भाई को मिल भी चुकी है लेकिन भाई के पास अब तो पावर्स रही नहीं, तो अब भाई इस फॉर्म में कैसा जाएगा, मतलब कि अब क्या इन दोनों की जोड़ी टूटने वाली है या फिर अब आगे क्या होगा। ये जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि हम डंडरान के हर एक एपिसोड को कवर करने वाले हैं। और जब तक के आप ये ब्लीच वाला एपिसोड देख सकते हो, ये वाली वीडियो देखो जिसके अंदर मैंने वन पीस फैन लेटर का रिव्यू दिया है।